बारह सौ, इसको क्या कहते हैं? छोड़िया, ये इसको गोजा कहते हैं, गोजा। वाह वाह, इसको ये भी इसको गोजी है। या ये भी गोजी है। ये सही दोनों है। भाई है, हाँ, ये दोनों भाई है। ये आपका अपने घर का है? यस सर। हाँ, बेच के घर का गुजारा करते हैं। 1500 इसके जोड़ी का है। 1500 का है। 1500 रुपया। वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। आप भी बेचते हैं? हाँ। ये 1200 जो। 1200 जो। एक करोड़ नसला। असीला। असीला। ये 1500। 1500 के। ये कौन? 2500 रुपए का। आधा छाल वाला। तू खिले तो। न तो विकड़ी बेच। हाँ। एक गड़े जो है। बाहर तो। नहीं मारी ना है। हाँ। 1500। मादी है। हाँ मादी। ये बच्चा है ना? एकड़ो बच्चो तो। हाँ। अरे भैया ये ताज छाती ना। कुट्रा है ना। कुट्रा। ये तीनों को लेकर आए हैं? तीनों को ले। छाजले। छाजले बिकने तो। बस वो खर्चे जलाए मांगे या हाँ मांगे या कार्य हो। अरे ना तू पंजे चूरी के बिकने तो। छाका बिकने तो। महंगाई जले। महंगाई जले। मैंने सामादा मन बढ़ दो। ये मुर्गी है चाचे का जो लेकर आया है यहाँ पे बेचने के लिए, जिनके तीनों बच्चे बैठे हुए हैं। छोटा सा ये इसका चूजा भी है। दिखाने का मकसद है कि इतना महंगाई उरूज पर हो गया है, जो अपने घर के जो पालतू चीज़ें बेचकर अपना घर का गुजर बसर करते हैं। ये फैसला हुकूमत को करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्हाट्सएप डीएम फेसबुक पेज से दिल मुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ गंदा खा बस अड्डा। ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाजार लगता है जो अपना देसी मुर्गियों का। मुर्गी दो किस्म के होते हैं, एक फार्मी होता है या देसी मुर्गी है। जो नाज़रीन मेरे व्यूवर्स उनको दिखाना चाहूँगा कि आपके शहर में इस तरह होता है नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पे इस तरह माना सुबह के टाइम यहाँ पे आते हैं, ये अपना मुर्गियाँ बेचते हैं। आज आप लोगों को मुर्गियों के हवाले से दिखाना चाहूँगा। ये छोटे बच्चे भी उठाए हुए हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किसका है? अपना है आपका? हाँ। कितने का है ये? 1500 इसकी जोड़ी का है। 1500 रुपया। हाँ। आप भी बेचते हैं बच्चे? हाँ। कितने का है ये? 1500 का है। 1500 रुपया। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। आप भी बेचते हैं? हाँ। ये बाजार है हमारा वस्ता मोहम्मद का, ये मुर्गियों का बाजार है। चाचा छाल वाला। चाचा छाल वाला। चाचा तू चा व्यापारी है या विकड़े तो? मैं विकला दो। आओ। सही है सही है सही। ठीक है। घने जो आ? ये 1200 जो। 1200 जो। एक करोड़ नसला। असीला। असीला। ये भाईजान असील है तो ये कितने का है? ये 1500। 1500 के। ये कौन सा नसल है? ये भी असील है। असील है जी हाँ। ये आपका है? खरीदा आपने? नहीं नहीं मेरा अपना है। क्या माशाल्लाह खरीदो फरोख्त हो रहा है। ये बाजार है हमारे यहाँ पे सुबह के गद्दा खा बस अड्डा पे मुर्गियाँ बेचते हैं लोग। भजन क्या हाल है? कितने का ये? 2500 रुपए का। ये नर नर है। ये अपना कौन सा नस्ल है? असल है। असल है। आधा छाल वाला। तू खिले तो न तो विकड़े बेच। एक गड़े जो है मारी ना है। हाँ, यहाँ पे देने वाले बहुत है, लेने वाले नहीं है, पता नहीं किस वजह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। घने जो है भाईजान? 5000 का। 5000 रुपये ज़्यादा दिखा रहे वीडियो वाले के। भाईजान अगर आप लोगों को इस तरह मुर्गा वगैरह खरीदना है तो उस्ताद मोहम्मद में गंदा खा बस अड्डे पे आ जाए। क्या घना टाइम है माना बींदा हो? 12-1 तक बींदा। 12-1 बजे तक। शाबाश गुड बाबा। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम व्यापारी हैं? जी हां सर। हाँ सर, कैसे कारोबार के हवाले से बता? सर बस रोजी कर्ज है, महंगा का दौर हो गया है, रोजी के लिए मजबूरी है। कहते हूँ 50-100 दाने का बचता है, हम दे देते हूँ। ये अभी कितने का है? ये हम खरीद किया है 2000 में। 2000। ये असील है। असील है। जी हाँ, अभी जो भी रोजी देगा उसको हम दे देते हैं। जी हाँ, इधर हमसे दुकानदार गवर्नमेंट मना करते रोजी इधर नहीं करो, बाहर जाओ। बाहर हम कहाँ जाऊँ? बाहर खरीद करने वाले भी कोई आदमी नहीं आएगा। मेहरबानी करो उसको मना करो, हमको रोके नहीं। हम रोजी वाले बंदे हूँ, बेरोजगार हो जाऊंगा। बस आप इस बात को सोचते हो। व्यापारी हैं? व्यापारी ना है, विकना है। बस खर्चे जलाए मांगे या हाँ मांगे या कार्य हो। तू पंजे चूरी के विकणे तो छाका विकणे तो महंगाई।
महंगाई जिले मैंने समाधान मन बढ़ दो। ये मुर्गी है चाचे का जो लेकर आया है यहाँ पे बेचने के लिए, जिनके तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, छोटा सा ये इसका चूजा भी है। दिखाने का मकसद है कि इतना महंगाई उरूज पर हो गया है, जो अपने घर के जो पालतू चीज़ें बेच कर अपना घर का गुजर बसर करते हैं, ये फैसला हुकूमत को करना है। क्या है भाईजान? हाँ, ये कितनी का है? 1200। 1200 इसको क्या कहते हैं? छोड़ी या ये इसको गोजा कहते हैं? गोजा, वाह वाह, इसको ये भी गोजी है? या ये भी गोजी है। ये दोनों भाई है। हाँ, ये दोनों भाई है। ये आपका अपने घर का है? यस। हाँ, बेच के घर का गुजारा करते हैं। हाँ, पढ़ते हो नहीं बच्चे? हाँ पढ़ते। कौन सी क्लास में? तीसरी। इधर आया हूँ ये मुर्गा वगैरह लेने। जी हाँ, मुर्गा कैसे? मुर्गा भी सही भी है, कुछ महंगा भी है। हाँ, सुख वगैरह इधर कुछ भी नहीं है। इधर आपस में लड़ रहे हैं, दुकानदार भी लड़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये कितने का है? 1500। ये सफेद है, ये काला है? 1500 का। हेलो वाला, ये खाने जो माखे खबर भी ना ब्याह इन वठण वाला। हां, तू व्यापारी है? मां ये बैठो चौकीदारी में। चौकीदारी में, वाह वाह, माखे खबर ना ले घणे। चाचा छा हाल वाला? खैर है वाह। खुश है? अच्छा, जो खैर है। व्यापारी है? हां वाह। हां वाह, पर जो है माल चलो। हां, ये रोड ब्लॉक में बैठा हो? ए बाहर सा वट सा बैठा हूं मैं, रोड वाला ब्याह है। हां हां, असन वट सा व्यापारी वट सा बैठा हूं यार। और भी आप मालूम जान भी नहीं के खेल चले। की है तकलीफ आए है वगैरह जी? रोजगारी के हवाले से बुधायो। हां, की है एक ही किलो? अगर किलो का गन बठे 60 जो कमावा? 60 जो कमा। हां, किले जो हिसाब ना 50 मिलियो जाते उते दिना 60 50 मिलियो असा 10 20 50 बंगला इनमें असा के नथा मिले ना। बाकी 50 कमाए सुबह जो कमाए बचड़न सा शाम जो वनी घर खाऊं था बस। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। महंगे जो पान दिसे तो तूफान हले तो इमरान खान लगे खराब हो। इमरान खान तो भलो हो, हाँ बया भी खराब हैं, असा पान खराब हूँ। इमरान खान खराब न हो, हुकुमरान खराब ना, पान खराब हूँ। जी नाजी, बिल्कुल इस वक्त गंदाखा बस अड्डा में मौजूद हूँ। ये मौजूदी अपना मुर्गे वगैरह उठाए हुए आपको देख रहे हैं। आज हमारे दिखाने का मकसद जो व्यूअर्स हैं, आप बाहर शहरों में रहते हैं, आप भी हमारे उस्ताद मोहम्मद का आपको विजिट करवाए, सैर करवाए, यहाँ पे भी इस तरह खरीदो फरोख्त होती है। ये गंदाखा बस अड्डा है जो घर है। हमारे दिखाने का मकसद, अगर आप नज़दीक हैं, अगर आप को भी यहाँ पे अपना मुर्गियाँ देसी मुर्गियाँ ख़रीदना है तो ज़रूर गंदाखा बस अड्डा पर आ जाएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको सस्ते दामों यहाँ पर मिलेगा। और ये भी बताना चाहूँगा कि उस्ताद मोहम्मद के जितने भी बाहर से आपके पटफीटर से आपके गंदाखा से मुर्गियाँ यहाँ पे आती हैं, माशा बेहतरीन आपको जो मुर्गियाँ आप मिल सकते हैं। तो बस इजाज़त चाहूँगा और देखते रहिए वैसा मुस्तफा बलोचिस्तान।